उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और इसके साथ ही कहा है कि मामले की सुनवाई अब 1 मई को होगी। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना 2 मई को होने वाली है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी निर्भर करेगा कि ग्राम पंचायत चुनाव की मतगणना कब होगी। बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाने के दौरान चुनाव ड्यूटी करते हुए कई शिक्षकों ने जान गंवा दी थी, जिसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। साथ ही याचिका में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नोटिस दिया। यूपी में पंचायत चुनाव कार्य में लगाए गए शिक्षकों की मौत पर गुरुवार को प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी, जब शिक्षक संघ ने करीब 706 शिक्षकों की मौत की सूची निर्वाचन आयोग को सौंपी थी। शिक्षक संघ को प्रमुख विपक्षी दलों का भी साथ मिला था। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मृत शिक्षकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग भी कर दी है। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों पर जाने के पहले कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट का आदेश दिया है। इसके बाद उम्मीदवारों और एजेंटों की नींदें उड़ गई हैं। सभी प्रत्याशी और एजेंट कोरोना टेस्ट निगेटिव का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कोविड-19 जांच केंद्रों की ओर रुख कर रहे हैं। जांच केंद्रों पर भीड़ उमड़ पड़ी है। मालूम हो कि सभी जिला प्रशासन ने भी मतगणना को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। मतगणना केंद्रों के बाहर भीड़ नहीं लगने को लेकर प्रत्याशियों या समर्थकों को विजय जुलूस निकालने को कहा गया है। मतदान केंद्रों को भी पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है।